हेलो गाइस, दिस इज़ विजय और मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ जोस्टल का, जो बानीखेत में है, विच इज़ अराउंड 8 किलोमीटर फ्रॉम डलहौसी। और डलहौसी हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे मैं स्टे किया हुआ था। और ये यहाँ से थोड़ा एंट्रेंस से ऐसा कुछ व्यू था, ये हॉस्टल का सारे एमिनिटीज़ विथ फैसिलिटी लाइक स्विमिंग पूल वगैरह है। यहाँ पे जो फ्रंट डेस्क हैंडल करते हैं, ये प्रॉपर्टी का ओवरऑल लुकआउट करते हैं, ये इनका नाम रोहन है। आई विल प्रोवाइड द नंबर ऑफ हिम, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू स्टे विथ ए बजटेड अमाउंट। तो ये अच्छे रेट में आ जाता है। और डलहौसी में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ा कॉस्टली है। तो ये 8 बंक बेड है, और यहाँ से व्यू भाई क्या दिख रहा था, वैली का नज़ारा। तो इवनिंग में सनसेट जब हो रहा था तो पूरा मस्त व्यू था। और डॉर्मेटरी में एक रहने का मेरा जो एक्सपीरियंस था तो भी सही है कि लोग अलग रीजन से आते हैं, दे आर ऑल्सो फ्रेंडली विथ यू, तो ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। यहाँ पे डॉम पे स्विमिंग पूल का फैसिलिटी है, नीचे रेस्टोरेंट का है। और ये अपना बाइक अपन निकलने वाले थे डलहौसी को, तो पैक कर लिए थे सारे। और इनका पार्किंग फैसिलिटी भी है जस्ट रोड के साइड में। और इनका कुछ प्राइवेट स्टे विथ दिस प्राइवेट रूम्स, तो वो भी फैसिलिटी है, मैं आपको आके बताऊंगा। और हॉस्टल में ये एक चीज़ अच्छा लगा कि कुछ स्टडी एरिया वगैरह भी है। और ये वाला इनका रेस्टोरेंट है, और ये कुछ डिफरेंट का इनका है रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे कल रात को इवनिंग में हम IPL देखे और नीचे बैठ के डिनर किए, तो अच्छा वाइब था। जैसे कहते हैं ना, गुड वाइब्स गुड लाइफ, तो वाइब्रेशंस अच्छा होना चाहिए, देयर इज़ अ लॉ ऑफ वाइब्रेशन भाई जस्ट लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक और ये इनका वर्क स्पेस है, यहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। बाकी ये सीटिंग एरिया है। और यहाँ पे नीचे इनके एक प्राइवेट रूम का मैं व्यू करवा देता हूँ। ये एक प्राइवेट रूम पे है जहाँ आपको LCD वगैरह सारे मिल जाएंगे, और वॉशरूम वगैरह भी सही कंडीशन में थे। बाकी ये प्राइवेट रूम से जो वैली का व्यू था, इसका भी नज़ारा अलग ही था। भाई बहुत बढ़िया लोकेशन है बानीखेत, मतलब डलहौसी से अगर स्टे कर रहे हो ना, तो आप यहाँ से डाउन नीचे आ सकते हैं। ये स्विमिंग पूल है, और यहाँ से वैली का व्यू भी अलग नज़ारा दिख रहा था। यहाँ से आप नियर बाय जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रैवलर हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और यहाँ से व्यू का मज़े ले सकते हैं। और जोस्टल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक हॉस्टलर इन मैक्लियोडगंज, वैसा अरेंजमेंट है। और ये तो प्राइवेट रूम का व्यू है, और ये बोनफायर एरिया है। कल तो नहीं हो पाई क्योंकि कल बारिश हुआ यहाँ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट 10th of April 2024, और नीचे से थोड़ा व्यू ऐसा है।
इवनिंग व्यू इज़ द बेस्ट वन। तो आप सनसेट होते हुए देखेंगे तो साइड से रबिन रिवर जा रही है, और यहाँ से डाउन जाएंगे तो 25 किलोमीटर में आपको JNK का बॉर्डर आएगा, तो वो भी बहुत प्यारा व्यू था। रबिन रिवर फ्लो हो रही थी, तो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो अपना बाइक पे निकल गया था, और वो ट्रेल बहुत अच्छा है अगर आप ड्राइव करके जा रहे हो तो। ये रबी रिवर है, राबी पीपल कॉल, और वहाँ से ऐसा कुछ व्यू था। तो और तेट है, जाना चाहिए अगर आप जोस्टल में स्टे कर रहे हो तो, डाउन 50-25 किलोमीटर। और ये इवनिंग का व्यू, थैंक यू।